मैं एमएस बिट्टा, मैं मानता हूँ कि मुझे जिंदा शहीद कहते हैं, पर मैं अपने आप को एमएस बिट्टा एक बोनस की ज़िंदगी में समझता हूँ। मरा हुआ भी हूँ और भगवान ने, जो भारत माता ने बची हुई ज़िंदगी दी है इतने बम्बों और इतने गोलियों से, जब इतने मेरे साथ जवान और बेगुनाह लोग मारे गए, मेरे दोस्त साथी मारे गए, अगर आज जिंदा भी हूँ, मर के जिंदा हूँ, वो मेरा बोनस का जो जीवन का हिस्सा है, शरीर से आधा बचा हुआ हिस्सा है, शायद भगवान ने, भारत माता ने इसलिए दिया है कि मैं उसकी और सेवा जितनी देर है मैं कर सकूं। मैं जिंदा भी हूं और मरा हुआ भी हूं। मुझे पीवी नरसिम्हा राव जी ने ये अवार्ड दिया था, जिंदा शहीद अवार्ड। और मैं भी कभी सोचता हूं जिंदा शहीद का मतलब क्या है, जिंदा भी शहीद ही, तो मैं अपने आप को शहीद नहीं कह सकता हूँ। मैं बचपन में कोई 10 साल 11 साल की उम्र होगी, 9 के भी शायद हो सकती है, मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ जलियांवाला बाग जाया करता था। एक तरफ जलियांवाला बाग, एक तरफ हरमंदर साहब, एक तरफ हमारी हवेली थी। तो मैं तो उनके साथ सैर के लिए जाया करता था। बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, मेरी उंगल पकड़ी होती थी, उनके साथ चलता रहता था। तो कई महीने जाता रहा। एक दिन मैंने पूछा, ये निशान किस चीज़ के हैं, ये कुआं किस लिए है, जहां अंग्रेज़ों ने, जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के ऊपर, जो देश की आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो मेरे ग्रैंडफादर ने बताया कि जहां जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का गोलियों और बम्बों से खून गिरा और कुएं में जाके लोगों ने अपनी जान को बचाने की कोशिश की, शहीद हुए, उसके बाद इस लाल मिट्टी ने, इस लतपथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से इस भारत माता की आज़ादी की नींव रखी गई थी। तो मुझे फिर समझ आई कि आज़ादी किस तरीके से मिली। फिर मैंने शहीद आज़म भगत सिंह जी की बुक पढ़ी, फिर मैंने सुभाष चंद्र बोस जी की बुक पढ़ी, फिर कवि प्रदीप जी के गानों को सुना, हम लाए हैं तूफान से ये किस्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो फिर मेरा जो ध्यान था वो बचपन से ही अपने भारत माता के प्रति मेरा हुआ। और उसी जलियांवाला बाग में फिर मैंने शपथ ली कि आज़ादी तो मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जनरल डायर की गोलियों को अपने सीने पे खा के ले दी। कभी ज़िंदगी में वक्त आया इस भारत के ऊपर मुसीबत का, माँ के ऊपर मुसीबत का, हम भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हुए, इन शहीदों को याद करते हुए, हम भी देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। तो वक्त तो नज़दीक आ गया। हम थोड़े से बड़े हुए, उम्र 18 साल 20 साल हुई होगी, तो हमने क्या किया, 15 अगस्त और 26 जनवरी का जलियांवाला बाग और हरमंदर साहब के जहां हमारी वेली थी, वहां हमने झंडा लहराने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। कोई यार दोस्त मोहल्ले के लोग होते थे, चलता गया चलता गया चलता गया। थोड़े और बड़े हम हुए तो देखा कि हरमंदर साहब के अंदर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया, हथियार गोला बारूद चला गया। जब 15 अगस्त आई, क्योंकि वो खालिस्तान की मांग करते थे कि पंजाब को हिंदुस्तान से तोड़ देंगे, पंजाब में खालिस्तान बनाएंगे, पंजाब में ना कोई हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, ना सेकुलर सिख रहेगा, सिर्फ खालिस्तानी ही रहेंगे। तो हमने झंडा लहराना था और हमें बहुत बड़ा चैलेंज आया पुलिस वालों की तरफ से, जो उनको चैलेंज किया पुलिस को कि यहाँ अगर एमएस बिट्टा झंडा लहराएगा तो बम्बों से उड़ा दिया जाएगा स्टेज को। तो हमें कहा आप स्टेज बदलो। उनमें कहना, हमने जलियांवाला बाग के अंदर अपने ग्रैंडफादर के सामने उस शहीदों की लाल मिट्टी पर शपथ ली थी कि आज़ादी की रक्षा के लिए इम्तिहान है हमारा, इसको पूरा करेंगे, बम्ब चले या गोलियां चले, तिरंगा झंडा यही लहराएंगे। हमने उस चैलेंज को कबूल कर लिया। 11 बजे अगले दिन झंडा लहराना था और सुबह 5 बजे मेरे घर में बम फेंक दिया। बम्ब इसलिए फेंक दिया कि हम देश की आज़ादी, देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे की रक्षा ना कर सकें। हमने वो झंडा लहराया, 12 बजे झंडा लहराया। झंडा लहराने के बाद फिर चैलेंज आया कि अब झंडे को उतार के आग लगा दी जाएगी। हम अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनके आतंकवादी थे, गोला बारूद था, हमने परवाह नहीं की। भारत माता की कितनी बड़ी शक्ति ताकत थी, इतना बड़ा आशीर्वाद था भारत माता को उस तिरंगे झंडे का,
हम 5 बजे तक तिरंगे झंडे के नीचे पहरा देते रहे। जब सूरज डूबने लगा, 5 बजने लगे, तिरंगे झंडे को सीने पे लगाया और भारत माता की जय, हम आज़ादी का तिरंगा झंडा लहराया और उसकी रक्षा की। वो पहला था, अगर मेरे से कोई पूछता है पत्रकार, आपके ऊपर इतने बम ब्लास्ट चले, इतनी गोलियां चली, पहला बम कब चला, पहली गोली कब चली, तो हम फख्र से कहते हैं पहला बम आज़ादी के तिरंगे झंडे की रक्षा करते हुए हमारे ऊपर चला। ये हमें गर्व, हमें इस चीज़ का बड़ा मान है कि देश के लिए हमने सबसे पहला बम खाया। उसके बाद फिर हमारी लड़ाई जारी है, आज तक जारी रहेगी। जलियांवाला बाग के शहीदों को याद करके, भगत सिंह जी को याद करके कहते थे, निकलते थे जब गोलियों बम्बों के सामने, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाद हुए कातिल में है। हम लड़ते थे, जब दीवारों पे नारे लिखे होते थे, हिंदू है, सेकुलर सिख है, मुसलमान है, पंजाब छोड़ के चले जाओ, हम काला और चिट्टे रंग का डब्बा लेके साइकिल स्कूटर पे जाके मिटा करके लिखा करते थे, भारत एक धर्म नेक, राष्ट्र सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जब ये लिखते थे तो हमारे पे गोलियाँ चलती थी, हम गोलियों का मुकाबला करते थे, पर शहीदों को याद करते करते हम लड़ाई लड़ते थे और लड़ाई में कामयाबी हमें मिली। मेरे जो ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, मेरे ग्रैंडफादर के आगे ब्रदर फ्रीडम फाइटर थे, उनको जलियांवाला बाग में गोली भी लगी थी, तो शुरू से ही उनके अंदर देशभक्ति थी। मेरे फादर काफ़ी बड़े ऑफिसर थे, उनका स्वभाव भी देशभक्ति का था। मेरे मदर थे, वो बड़े पढ़े लिखे थे, कहाँ लाहौर में उन्होंने शिक्षा, उनके बड़े संस्कार बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें संस्कार बड़े अच्छे दिए। वाजिद दुनिया में नहीं है, पर उनके संस्कारों से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे जीवन का आदर्श हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून जलियांवाला बाग की धरती पे गिरा हुआ। मेरा आदर्श शहीद आज़म भगत सिंह जी, जब जलियांवाला बाग के अंदर शहादत हुई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का खून बहा, तो शहीद आज़म भगत सिंह अपने घर से चोरी जाते हैं जलियांवाला बाग, और जाके एक शीशी के अंदर, ग्लास की शीशी के अंदर खून इकट्ठा करते हैं, जिसमें हिंदू का भी होता है, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, और लेके रोज टिक्का लगाते हैं। तो वो हमारे आदर्श हैं, वो सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दुनिया घूम करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की फ़ौज का गठन किया, जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज, जिसमें कहा आप हमें खून दो, हम आपको आज़ादी देंगे। दुनिया घूमी, उस वक्त सड़कें नहीं थी, उस वक्त प्लेन नहीं थे, उस वक्त पहाड़ थे, कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ रशिया, कहाँ जापान, कहाँ शहीद आज़म भगत सिंह। एक 22 साल की उम्र में उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। तो मैं सोचता था कि इतना कुछ इन्होंने कर दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते, मुल्क तो आज़ाद है, सिर्फ छोटा सा काम है, उन्होंने तो बड़ा काम कर दिया। ये तो छोटा सा काम है, सिर्फ भारत माता की आज़ादी की रक्षा करना, उनकी कुर्बानियों से, शहादतों से मिली हुई कुर्बानी, शहादतों से जो भारत माँ आज़ाद हुई है, उसके लिए छोटा सा काम दिया है भैया, बेटा इनकी सेवा करना, इसकी रक्षा करना, हम तो वो कर रहे हैं, हमें वो आदर्श से, हमने तो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने जो फांसी के रस्तों को हंस हंस के चूमा है। हाँ, आज अगर शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, इस्तफाकुल्ला खां, राणी झांसी, चंद्रशेखर आज़ाद, तातियां टोपे, जलियांवाला बाग के शहीदों को, अगर उस वक्त के राजनीतिक लोगों को हम देखें, महात्मा गांधी जी, वो जो लोग थे वो राजनीतिक थे, पर उस वक्त राजनीति का मैना देशभक्ति था। जब ये लोग अपने घरों से निकलते थे जाबाज, तो अपनी माँ को क्या कहते थे, माँ गोली सीने पे खाएंगे, इस भारत माता को आज़ाद कराएंगे, ना कि देश आज़ाद होने के बाद हम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर, ये सपना नहीं था। आज अगर 70% पॉलिटिक्स देख लो हिंदुस्तान के अंदर,
माँ को कह के घर से निकलते, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, इस भारत माता को नोच नोच के खाएंगे, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, इस भारत को आतंकवाद का गुलाम बनाएंगे। वो राजनीति और राज की राजनीति में जमीन आसमान का फर्क है। हम कपड़ों से जरूर मॉडर्न हुए हैं, पर हमारे जो विचार हैं, भगवान कृपा करे हमारे विचार पुराने ही रहे जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के थे। मौत हमारी दोस्त है। हम बार बार मरे, बार बार जिंदा हुए। हम तो मौत को रोज कहते, तू ले जा, तू बुलाती नहीं, हम तो तेरे पास हैं। पर उस वक्त बुलाना भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हुए। एक तेरे आगे प्रेर करता हूँ, भगवान के आगे, मौत के आगे, बीमार हो के एक्सीडेंट से कभी मत बुलाना। बुलाना जीवन जाए और भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हुए, बहनों के सुहागों की पंजाब की तरह बच्चों को बचाते हुए, उनकी रक्षा करते हुए जाए, हमेशा यही कहता हूँ। हाँ, मौत से मैं नहीं डरता हूँ, मौत मेरी दोस्त है। मैं एक चीज़ से ज़रूर घबराता हूँ, वो है पॉलिटिकल टेररिज्म, राजनीतिक आतंकवाद। आज पूरा हिंदुस्तान, पहले अंग्रेजों का गुलाम था, आज पॉलिटिकल टेररिज्म का गुलाम है ये भारत, जिसको कहते हैं राजनीतिक आतंकवाद। मैं भगवान के आगे जब भी प्रेयर करता हूँ, हे भगवान, जब भी मौत आए, बम्बों गोलियों से आए, पॉलिटिकल टेररिज्म से मौत कभी ना आए। क्योंकि बम्बों गोलियों से अगर मैं शहीद होता हूँ, मैं मरता हूँ, तो मुझे सब लोग कहेंगे कि देश के लिए शहीद हुआ, बच्चे भी कहेंगे, मेरा परिवार भी कहेगा, मेरे दोस्त भी कहेंगे, लोग भी कहेंगे कि बेटा देश के लिए शहीद हुआ, कुछ करके गया। पर अगर पॉलिटिकल टेररिज्म से मेरी मौत होती है, फिर मेरी मौत और जानवर की मौत में फ़र्क नहीं रहेगा। इसलिए जब भी प्रेयर मैं देश की करता हूँ, ये ज़रूर मांगता हूँ, मौत जब भी देना, बम्बों गोलियों से देना, राजनीतिक आतंकवाद से मौत मत देना। इनकी मौत बड़ी खतरनाक होती है, इनकी मौत का पता भी नहीं चलता। अगर टेररिज्म के ऊपर हम पॉलिटिकल पार्टियों के सिंसियर होते, तो मेरी हालत ये होती, मेरी आंखों में आंसू होते। जो आदमी मौत से नहीं डरता, जो आदमी बम्बों से नहीं डरता, जो आदमी आतंकवाद से नहीं डरता, जो कहता मौत मेरी दोस्त है, कभी भी ले जा, वो किस चीज़ से डर गया? राजनीतिक सिस्टम से डर गया? एक मलाला लड़की पाकिस्तान की, एक गोली चली, दुनिया उठा के ले गई। पाकिस्तान में नहीं है वो। हमने अपने भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हुए, बहनों के सुहागों की रक्षा करते हुए, जीवन का आधा हिस्सा दे दिया। हम तो भैया मांगते कुछ नहीं आपसे, हमें क्या दोगे? जिस आदमी की मौत दोस्त है, उसको आप क्या दोगे? को पदक दोगे, को अवार्ड दोगे? हमें क्या जरूरत है? हम क्या साथ ऊपर ले जाएंगे? हम तो आपसे प्यार और हौसला चाहते हैं कि ये जो बची हुई जीवन भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए दिया है, हमें प्यार देते रहना बस, हमें ब्लेसिंग देते रहना बस। पर आपको तो वो भी अच्छा नहीं लगता। ये एक पार्टी नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये चक्कर है। तो कई बार हम सोचते हैं, क्या आतंकवाद की लड़ाई हम जीत पाएंगे? हर चीज़ को कहते कि फोर्स लड़ेगी, पुलिस लड़ेगी, फौज लड़ेगी, CRPF लड़ेगी। नहीं, क्या पंजाब में अकेली फोर्स ने लड़ाई लड़ी? एक तरफ फोर्स ने लड़ाई लड़ी, CRPF, पंजाब पुलिस, गोली का जवाब गोली दिया। हमने अपनी जबान को AK-47 बनाया, हमने पूरे पंजाब का नौजवान इकट्ठा करके, जवान को AK-47 बुला के आतंकवादियों का जवाब दिया, लड़ाई जीती। अकेली सरकार में बना करके रह करके फोर्स का रोप डालना, फोर्स लड़ेगी? नहीं, लोगों की जबान को हमारी तरह AK-47 बनाना पड़ेगा, पर उसके लिए तो कोई हौसला ही नहीं। हर राजनीति में व्यक्ति वाहवा लूटने में लगा हुआ है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही देशभक्त हूँ, मैं ही भारत माँ हूँ, हर नेता यही कहता है। दूसरा क्या कर रहा, उसको कोई हौसला देने वाला नहीं। ये सबसे बड़ी हिंदुस्तान के अंदर समस्या है, फोटो पॉलिटिक्स है, मीडिया पॉलिटिक्स है। अगर कोई प्रोटेस्ट भी होगा आतंकवाद के खिलाफ, वो भी मीडिया पॉलिटिक्स है। दिल से लड़ना है, जैसे पंजाब में हम सब ने लड़ाई लड़ी, दिल से लड़ाई लड़नी है आतंकवाद के खिलाफ। हे भारत माँ, तेरे चरणों में शीश चढ़ाने आया हूँ, जितनी भी अपने पास बजी वो साथ चढ़ाने आया हूँ।
ये जान हथेली पर रखकर कुछ कर दिखलाने आया हूँ, है कफन का टुकड़ा जेबों में, कुछ कर दिखलाने आया हूँ। बस वो भगत सिंह जी की वही बातें याद हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। मैं यही लोगों को कहना चाहता हूँ, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। यही मेरी ज़िंदगी के शुरू से लेके आखिरी हैं, और मैं हर एक को यही कहता हूँ, को मेरा पूछे मेरा धर्म क्या है, मैं कहता हूँ मेरा धर्म भारत माँ है, मेरी जात वंदे मातरम है। आज धर्मों में भारत बट गया, को मुसलमान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस धर्मों को सुभाष चंद्र बोस जी ने इकट्ठा किया था, आज मैं उन्हीं की सोच को लेके कहता हूँ, भारत माँ के चरणों में मैं पैदा हुआ था, और जब मैं जाऊँगा बम्बों और गोलियों से, 2 सेकंड के लिए मरने के वक्त भारत माँ की ये कृपा जरूर होगी कि मैं वंदे मातरम कहता हुआ जाऊँगा। यही मेरे विचार हैं, शुरू मेरी ज़िंदगी भारत माँ से शुरू होती है, और ख़त्म मेरी जाते जाते वंदे मातरम से होती है। धर्म भारत माँ, जात वंदे मातरम, बस यही मेरा जीवन है। इसकी स्थापना तब करनी पड़ी जब कारगिल के युद्ध के अंदर हम कुछ जवानों के घर गए जो शहीद हुए। एक जवान के पिता से मैंने सवाल किया कि आपका बेटा शहीद हो गया है, क्या सरकार की तरफ से आपको कुछ हेल्प मिली? कहते एक SDM लकड़ों के संस्कार के लिए 5,000 रुपया दे गया था। मैंने कहा ये 2 बच्चे जो हैं ये बड़े होके क्या करेंगे? कहते जब बड़े हो गए, जब बच्चे बड़े होंगे इनको मैं फौज में कराऊंगा। मैंने उसी दिन प्रण कर लिया कि इन बच्चों को मैं अडॉप्ट करूंगा, और बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने ज़िंदगी की एक शुरुआत कर दी, सरकारों को जगाने के लिए, सरकारों को बताने के लिए कि ये फ़ौज के जवान, ये फोर्सेज के जवान, अलग अलग फोर्सेज के जवान, ये पैसे के लिए नहीं जाते, नौकरी नहीं करते, ये मौत का कफन बांध के सिर के ऊपर वर्दी पहनते हैं और भारत माता की आज़ादी की रक्षा करते हैं। जब देश की आज़ादी की रक्षा करते हुए कोई जवान शहीद होता है तो उसके बाद सरकारों का कर्तव्य है कि उसके परिवारों को देखे, उनका परिवार बिखर ना जाए, उनका परिवार रुल ना जाए। इसलिए मैं इस फ्रंट पे शुरुआत की, इसलिए मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ। मैं फिर कहूँगा, हमारी पॉलिटिकल पार्टियाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स, एक दूसरे से लड़ने की पॉलिटिक्स में लगी हुई है। पंजाब के अंदर जब हमने आतंकवाद ठीक किया था तो उस वक्त कांग्रेस बीजेपी CPM CPI सब ने शपथ ले ली थी, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें भारत के अंदर खालिस्तान नहीं बनने देना है, हमें पंजाब के अंदर और बेगुनाहों के खून होते हुए नहीं देखने हैं, हमें कुर्सी सत्ता मिले ना मिले, हमें आतंकवाद को समाप्त करना है। तो जब सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मौत का कफन बांध करके आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक शपथ ले ली कुर्सी और सत्ता को त्याग करके, तो आतंकवाद समाप्त हुआ। वो पॉलिसी आज हिंदुस्तान में नहीं है, वो आज पॉलिटिकल पार्टियों को, आज पंजाब का फार्मूला ही अपनाना पड़ेगा आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, कि अपने वोट बैंक, निजी स्वार्थ, कुर्सी सत्ता इसको छोड़ें और आतंकवाद के खिलाफ नई पीढ़ी को, अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ता को लामबंद करें कि हमने आतंकवाद के खिलाफ पंजाब की तरह लड़के आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है। मैं इंडियन स्टोरी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप शहीद आज़म भगत सिंह जी की तरफ देखें, आप राजगुरु सुखदेव जी की तरफ देखें, आप सुभाष चंद्र बोस जी की तरफ देखें जिन्होंने देश को आज़ादी लेके दी, उनके सोच पर चलते हुए हमारी तरफ ही देख लें, उनके पैरों की चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। आप पॉलिटिक्स की तरफ हमेशा मत देखें, आप खुद कुछ बनने की कोशिश करें, देश जहां वो बने जहां आपकी भारत माता की किसी ना किसी रूप पे सेवा कर सके, ऐसा एक अपनी एक पहचान बनाए, और पहचान को खोए ना।